बी सी डी निकालना है, बी सी डी निकालना है। देखिए पहले इधर एक्स होगा तो इधर वाला सी हो जाएगा, क्या कि जब भी स्ट्रेट होता है स्टेप से कुछ हो जाता है, तो सी जब एक्स हो जाए तो यह सी हो जाएगा। अब जानते हैं यह जब इसको ऐसे बढ़ा दीजिएगा तो यह और यह मिला के एक्स सी होता है। जैसे कोई भी चीज़ को हम इस तरह करके अगर हम करते हैं तो यह एक्स मानते हैं इसको वाई मानते हैं, तो अगर हम एक्स प्लस वाई करेंगे तो एक्स सी होगा। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है 120, तो नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। जैसे 60 जब इधर 60 इधर भी 60, यानी तो आप इसको ऐसे भी कर सकते संगत कोटि दिशा 120, तो इधर भी 120 होता तो ऊपर भी 60 हो जाता, तो 814 4 18 मतलब यहाँ 40 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी चीज़ है तो इस तरह के इस तरह से गया और इस तरह से गया, यह जितना होगा इतना यह होगा। ऐसे भी हम देख सकते हैं 120 तो इधर वाला भी 120 तो ऊपर भी 60, यह दोनों का योग 180 तो ये 60 तो यह भी 60, इसके अंदर 814 4 18 मतलब यह हो गया। अब यह तो सवाल दीजिए हमको निकालना है डी ओ बी, है ना, डी ओ बी डी ओ बी। इस तरह का जब भी सवाल होता है यह और यह जो जुट जाएगा वही समान होगा 70 डिग्री, यह आपका 70 डिग्री हो गया। मतलब यह एंगल जोड़ दीजिएगा यह दोनों एंगल आपका निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री।